नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मोदी सरकार ने 3 कृषि सुधार कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अभी धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कोर कमेटी की एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या बातें तय होती हैं वो हम आपको पहले बताते हैं। और तय ये होता है कि पहले से निर्धारित जो भी कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि 22, 26 और 29 नवंबर को जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं वो सब होंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की रैली है, 29 नवंबर को एक सार पूरा होगा, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 नवंबर को ही देश भर में किसानों का पूरा कार्यक्रम होगा, धरना प्रदर्शन होगा। कृषि कानूनों की वापसी के संदर्भ में सारी बातें हो जाने के बावजूद भी पहले से जो कुछ भी निर्धारित किया गया है किसान संगठनों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उन सब का आयोजन होगा। डॉक्टर दर्शन पाल जो एसकेएम के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है और उसके मुताबिक 22, 26 और 29 नवंबर को जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो सब एज इट इज चलेगा, यथावत चलेगा। और रविवार को जो बैठक होनी है उसमें भी ये सब कुछ तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या हो। पिछले 48 घंटों में तमाम समाचार चैनलों पर और अखबारों में बाकायदा ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का स्वरूप आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए। लेकिन किसानों का ये कहना है, विशेष करके राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा से जुड़े सभी किसान नेताओं का ये कहना है कि जो कार्यक्रम किसानों के द्वारा आयोजित किया जाना है, धरना प्रदर्शन रैली और सब कुछ यथावत चलेगा, क्योंकि संसद के सत्र के दौरान जब कानून की वापसी होगी पूरी तरीके से तभी कुछ किया जाएगा। लेकिन वो क्या कुछ होगा, धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा और रैलियों का आयोजन नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अब तो मुद्दा आ गया है उस बात पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात MSP पर एक गारंटी कानून चाहिए, उसके संदर्भ में उसकी कितने तकनीकी बातें हैं, कितने तकनीकी पहलू हैं, इस पर न तो किसान बोल रहा है न तो सरकार। और आगे सब कुछ यथावत चलेगा ये अब स्पष्ट हो गया है। तो इस किसान राजनीति का अब आगे क्या स्वरूप होगा, आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इस संदर्भ में हमारे साथ राहुल यादव जुड़ रहे हैं जो सीधे ये बताएंगे, किसान नेता हैं और पूरी तरीके से वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आगे की रणनीति है क्या। यादव जी, क्या करने का अभी विचार है आगे किसानों की तरफ से? जी नमस्कार। क्या 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 कुछ आयोजित करेंगे, किस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी आधी अधूरी जानकारी दी है। अभी कृषि बिल वापस, अब से पहले तो एक साल होने जा रहा है, 4 दिन बाद एक साल तक प्रधानमंत्री जी को ये पता चला है कि ये किसान भी है। पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, मुट्ठी भर थे नकली किसान। तो आपको हम कुछ बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से ही बोल रहा हूँ, टिकेश अब सुपर किसानों के हीरो हैं, किसान नेता हैं, जिन्होंने कर दिखाया, टिकट टिका हुआ है। कुछ साथी, हमारे किसान साथी भालू वगैरह सब छोड़ के भाग भी गए। ये भारत के किसानों की लड़ाई है, ये खाली राकेश टिकैत की नहीं है, खाली ये मेरी नहीं है या कुछ पश्चिम के किसानों की नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों की लड़ाई है। रही बात MSP की, हमने एक बात कही थी शुरू से, कहते आ रहे हैं कि तीनों बिल वापिस, उसके बाद वार्ता हो और MSP पे गारंटी कानून बना दिया जाए, तभी किसान वापिस आएगा। उसमें भी 2-4 मुद्दे अभी जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अभी पहले संसद का सत्र चले, तीनों कानून वापस लिए जाएं और संसद में बाकायदा सरकार की फजीहत हो, क्योंकि उसने एहसास ही नहीं किया कि ये किसान
ये भलाई के लिए तीन कानून लाए गए थे, ये वापस लिए जाए, पहले तो आप लोग ये चाहते हैं। उसके बाद आपने एक महत्वपूर्ण बात की जिसे मैंने कैच करने की कोशिश की, वो ये कि उसके बाद किसानों और सरकार के बीच एक वार्ता हो, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए कमेटी बनेगी किसान, उसमें किसान भी होंगे, सरकार के कुछ नुमाइंदे होंगे। कमेटी यार रोज रोज किसान थोड़ी आएगा धरना देने, आंदोलन करने, किसान को और भी काम। ये ऐतिहासिक इतना लंबा आंदोलन हो चुका है, इससे बड़ा आंदोलन हमने अपने जीवन में। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि अभी बिल वापिस करें, एमएसपी की गारंटी बनाए, और दो तीन मुद्दे और हैं उन्हें भी ऐड करें, कमेटी बनाए और वार्ता करें। किसान आपके हैं और आप हमारे, लेकिन ऐसा व्यवहार करना सौतेला व्यवहार, क्या हमने वोट नहीं दी मोदी जी को? कितनी बार ये बात की, तो बॉर्डर किसान बैठे हैं वो पहले दिन से और आज तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है और लड़ते आ रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा फिर भी सुनते आ रहे हैं। किसान की अभी जीत पूर्ण रूप से जीत नहीं हुई है, अभी जहां से ये बिल पास हुए वहीं संसद में जाकर के इन पे फिर दोबारा से इनको रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून लाया जाए वहां से, और किसानों की एक कमेटी बनाई जाए जो और मुद्दे हैं किसानों के, 10 साल पुराना ट्रैक्टर जैसे अपना ये टैनी, अजय टैनी का जो मामला है लखीमपुर खीरी वाला, वो 120 122 बी का मुलजिम है, 120 बी का, और 120 बी का मुलजिम जेल जाना चाहिए, उसका इस्तीफा हो, तब हम मानेंगे कि सरकार ने किसानों के पक्ष में कुछ काम किया। उसके बाद ये जो अविश्वास की खाई है, क्योंकि आप लोगों को तो विश्वास है ही नहीं, क्योंकि कल जो प्रतिक्रिया हम किसानों से ले रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से भी हमने प्रतिक्रिया ली थी, अगर आप एबी स्टार न्यूज़ के कल के प्रोग्राम्स को देखें तो उसमें तो ये कहा गया था कि मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पर घोषणा कर चुके हैं उन पर विश्वास है ही नहीं, क्योंकि ये तो जुमलों की सरकार है, जुमलों वाली सरकार है, तो विश्वास होगा कैसे जब तक संसद से ही इसकी वापसी ना हो? अविश्वास की खाई इतनी बड़ी है तब भी आप कह रहे हैं कि हम मोदी के हैं, मोदी हमारे हैं। खैर आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इसकी प्रस्तुति दी है, लेकिन कल की प्रतिक्रिया कुछ और थी। ये 24 से 48 घंटे में इतनी बात या इतना बदलाव किस बात की ओर संकेत है? देखिए देर आए दुरुस्त आए, गंगा माँ के पुत्र को गंगा माँ ने कुछ सतबुद्धि दे दी है, उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, उनकी कुछ समझ में आया, और वो राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। लिख एक बात है, पुरानी कहावत है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। जब ये कानून संसद से पास किए गए हैं तीनों काले कानून, तो ये वहीं रद्द होने चाहिए, और एमएसपी जो बड़ा मुद्दा है उस पर पूरे भारत का जो किसान है, जो धान है, गेहूँ है, सरसों वगैरह, हमारा जो भी चीज़ें एमएसपी पे बिकती हैं किसान की, उस पर गारंटी जामा पना दिया जाए तो किसान संतुष्ट होगा ना, बैठ के ही तो वार्ता होगी। अच्छा राहुल जी इस पे तो कमेटी बनेगी, वार्ता होनी चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए, सरकार अब बिना सहमति के ऐसा नहीं करेगी। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि ये जो एमएसपी पर एक गारंटी कानून आप लोग बनाने की बात कह रहे, वो एमएसपी पर गारंटी कानून इसके पहले नहीं बना था, तो आप लोग उन लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं, सारा दबाव इसी सरकार पर। देखिए मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये आप लोग ये देख रहे हैं कि यही मौका है, बस इसी में मोदी सरकार से जो खींचना है खींच लो। मिश्रा जी देखिए, दिवाकर विक्रम सिंह मेरा नाम है, मिश्रा जी नहीं, दिवाकर जी, तो सरकारों ने काम नहीं किया तो वो बाहर है, 7 साल से सत्ता से बाहर है। जो सत्ता में आया और वादा करके आया वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, तो हमने उसे इच्छा जाहिर की कि कानून ठीक बनेंगे, किसानों के पक्ष में बनेंगे, लेकिन उन्होंने तो किसी से वार्ता ही नहीं की, किसी किसान संगठन से, ना किसी किसान वैज्ञानिक से, ना किसी समझदार व्यक्ति से, अपने आप एक कानून बना के थोप दिए गए। अच्छा राहुल जी ये एमएसपी पर साग खवाल लगू तो साग खा लेंगे क्या आप, ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि एमएसपी पर
एमएसपी पर कानून बन जाना चाहिए, सरकार को बना देना चाहिए। ये रोड़ा कहाँ है, रुकावट कहाँ है? रुकावट सरकार कह रही है कि 3600 करोड़ का नुकसान होगा सालाना, और भी कई चीजें कह रही है। तो भाई किसान प्रधान देश है और जो जीडीपी 5% 4% जो चलती रही मंदी के समय, वो किसानों की वजह से ही चलती रही। अब इन्होंने जो उद्योगपतियों ने ये देखा कि भाई ये तो किसान का माल ऐसा है, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कितनी बड़ी आपदा आ जाए, ये बंद नहीं होगा। किसान और किसान का धंधा फेल होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियां के जो ये नीतियां हैं इनके कारण किसान फेल हो रहा। किसान को वाजिब दाम दे दिया जाए, किसान को कोई जरूरत नहीं आंदोलन करने की। एमएसपी इसीलिए मांग रहे हैं, एमएसपी पे अगर ये गारंटी दे देंगे, एमएसपी ये कहते हैं ही और रहेगी। कितने परसेंट धान की खरीद हुई आप बताएं, उत्तर प्रदेश में उठा ले आंकड़े, बिहार के उठा ले आंकड़े। ये सवाल बनता है ना कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, कुछ ऐसा आप देख। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लगनी जरूरी है, वो आज से नहीं चली आ रही है, पिछली सरकारों ने नहीं लगाई, अभी नहीं लेना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है, प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा जब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। रही बात दूसरी, प्रधानमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा था किसानों को के 2022 में दुगनी आय हो जाएगी किसान की, तो कौन सा फॉर्मूला है वो भी लगा दे हाथों हाथ। भाई अभी तो हमारे जो हम पे थोपे गए थे बिल, वो वापिस करें, खाली प्लेट है हमारे हाथ में, अब उसमें रखने तो सही। कुछ 750 किसान शहीद होने के बाद आँख खुली है, उनको भी स्मारक किसान घाट चाहिए और उनको एक उचित मुआवजा, उनके परिवारों को नौकरी, ये भी मांग रहेगी। हाँ, ये हम लोग ये आशा कर रहे थे कि आप लोग इस तरह की मांग करेंगे कि उनके परिवारों को नौकरी दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए ये बताओ ना। मैं तो कह रहा हूँ, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि भाई जब इतनी बातें सरकार, देखिए सरकार तो स्पष्ट रूप से मान चुकी है कि आपको मनाने में असफल रही सरकार। जब उसने स्पष्ट रूप से कह दिया गया, उसके मुखिया की तरफ से कह दिया गया, तो बात अब आप लोगों की होनी चाहिए। हालांकि अभी भी मैं काले कानून मान लिए ना, तो इन काले कानूनों की वजह से ये नहीं माना। देखिए देखिए यादव जी, राहुल जी, रोड पे सो रहा है किसान आज भी, और ये गलतफहमी निकाल दें, जो भी लोग हैं सरकार के हैं या कोई भी है, चाहे उसमें मीडिया चैनल्स हैं, किसान अभी हिलने वाला नहीं है जब तक लिखित में ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं बनेगी, और जो और मुद्दे हैं वो भी उनके ऊपर कमेटी नहीं बनेगी जब तक यहाँ से किसान नहीं जाएगा। ये तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाएगा, कब तक लग रहा है कि ये बन जाएगा, क्योंकि उस पर कमेटी का गठन बनवाओ, हाँ बनना चाहिए, कब तक लग रहा है आपको, क्योंकि अब तो आपकी बातें सरकार मानेगी। देखो जी, हम भी यही हैं और तुम भी वही हो, अब बात तो यू है कि जब भी बना दें तब हम फिर आगे की संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टेप लेगा, और यहाँ से उसी तरह की कॉल दी जाएगी कि वापिस जाना है, क्या करना पड़ा लिखित में। पहले अभी संसद में इनको शीतकालीन जो संसद अब शुरू होने वाली है 29 तारीख में, उसमें इस कानून को पहले रद्द कराया जाए, उसके बाद एमएसपी पे गारंटी बनवाओ, बाकी बातें तो होंगी बैठ के। मतलब एमएसपी पर जो गारंटी कानून है वो भी संसद में उसकी चर्चा हो और वो पास हो ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि इस शीतकालीन सत्र में क्या वो ऐसा संभव हो पाएगा? हाँ होना तो चाहिए जी, अगर देखो अगर नहीं होता देखो सुनो, ये हमारी ना, हमने ये बिल वापस लिए, ये प्रधानमंत्री के लिए गलत है, तभी लिए हैं, सोच समझ के लिए होंगे, एक झटके में ले लिए, हम तो राय करेंगे इस पे भी, अभी मामला है क्या, इस पर राय करेंगे सब बैठ के, जितने संयुक्त किसान मोर्चे में नेता है, किसान है, सबकी राय ली जाएगी,
और जो जो और मुद्दे हैं उनको अटैच किया जाएगा। वार्ता होनी चाहिए, एक वार्ता का रास्ता खोला है। वार्ता का रास्ता प्रधानमंत्री ने खोला है तो प्रधानमंत्री को ही पहल करनी होगी वार्ता के लिए, या आप लोग भी कुछ पहल करेंगे? किसान तैयार है वार्ता करने की। अच्छा अच्छा, तो कुछ संकेत दिया गया है या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है कि वार्ता शुरू हो जाए जल्दी? हमारा 22 तारीख का लखनऊ का प्रोग्राम है, 22 लखनऊ प्रोग्राम होगा, उसके बाद 26 में एक साल पूरा होने पे सभी लोग जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे शहीद हुए उनको याद किया जाएगा 26 तारीख को। हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ ना, संसद जो किसान पहुंचेगा, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, तो वहां पर एक किसान पंचायत होगी या नहीं? हाँ क्यों नहीं होगी, 500 किसान दोनों बॉर्डरों से जाएंगे, संसद अपना काम करे, हम बाहर बैठ के अपना काम करें। अच्छा, तो वहां पर जो सत्र होगा या वहां पर आपकी जो पंचायत लगेगी उसमें किस बात पर जोर दिया जाएगा सबसे ज्यादा? देखिए अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग खत्म हुई है एक घंटे पहले, तीन बातें आई हैं कि MSP पे गारंटी और हमारे किसान शहीद हुए उनको उचित मुआवजा, और एक उनका जो हमारा स्थान है किसान घाट है वहाँ उनकी किसान घाट पे वो बनाई जाए, उनको याद करें साल में एक बार, किसान उन्होंने हमारे लिए पूरे देश के किसानों के लिए शहादत की है। मतलब किसान घाट पर स्मारक बनाया जाए? क्यों, हाँ स्मारक क्यों नहीं बनेगा जी, किसान घाट किसानों के लिए बनना चाहिए। तो उसका राजनीतिकरण, मैं वही बात पूछने जा रहा था, उसका राजनीतिकरण नहीं हो जाएगा, सीधे राष्ट्रीय लोकदल से वो प्रतीकात्मक तौर पर जुड़ जाएगा क्योंकि चौधरी चरण सिंह की वहां पर समाधि है। चरण सिंह उनकी समाधि है और वो किसानों के लिए ही है। तो ये सारी बैठक में तीन बातें तय हो गई राहुल जी, तो अब जो 29 तक ये जो सारा प्रोग्राम चलेगा, यथावत जो पहले ही रणनीति बनाई गई थी, उन सारे कार्यक्रमों का, धरना प्रदर्शन का जो भी स्वरूप है वो स्पष्ट तौर पर सामने आएगा लोगों के, तो संसद के सत्र के दौरान, भाई वही तो सवाल फिर कह रहा हूं कि मान लीजिए MSP पर गारंटी कानून जो आप लोग चाहते हैं, जो उसका स्वरूप होना चाहिए, वो वजूद में नहीं आया तो धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे? देखिए अभी बातें मान ली जाएंगी, अभी वार्ता करने के लिए एक रास्ता खुला। अच्छा, 30 तारीख में अभी हमारे दोनों तीनों प्रोग्राम GT जैसे ही है, और भी पंचायतें होती रहेंगी पूरे देश में, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बात आई धरना उठा, MSP कानून बनवाए, इनको रद्द कराएं संसद में, उसके बाद जो और मुद्दे हैं उन पे वार्ता हो, एक कमेटी बनाई जाए, किसान अपने घर जाएगा, अब दोबारा आएगा क्या जान दो न किसान भाई, और भी मुद्दे हैं, गिरफ्तारी का मामला है। राहुल जी ये बताइए, ये सब तो हो गया, घर से थोड़ी लाए मुकदमे खारिज करो, ये सारी बातें आपकी हो गई मांगों के संदर्भ में क्या होना चाहिए, और माननी पड़ेगी जी, वो तो माननी पड़ेगी क्योंकि आपकी बातें मानी जा रही। मैं आपसे ये पूछिए तो पहले सर, चाहे कोई भी सरकार हो, अरे आप सुनेंगे, सवाल भी तो सुनिए ना, हम लोगों को तो आप लोग पता नहीं गोदी मीडिया और क्या क्या कहते हैं। ये आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कदम पीछे हटाए क्योंकि वो कहे कि वो नहीं समझा पाए आपको, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके संकल्प शक्ति में या उनकी जो सोच थी उसमें कहीं कोई कमी रह गई थी। बड़ा सवाल है कि इस स्वीकारोक्ति के बाद प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया, औपचारिक तौर पर न तो राकेश टिकैत, न तो दर्शन पाल, न तो गुरनाम चढ़ूनी या अन्य कोई नेता, किसी ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का एक औपचारिक तौर पर जो स्वागत किया जाना चाहिए उस पर कोई वाक्य या शब्द नहीं बोले। ये कैसी जिद, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हमारे हैं हम उनके हैं। देखिए सुनिए, मतलब जहां 750 किसान शहीद हो गए वहां
बधाई देने की जरूरत पड़ रही थी। बधाई की बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो आप जीवित कर दोगे क्या जिस परिवार के बच्चे? तो ये आप बोलिए ना कि आप ये कहिए ना कि प्रधानमंत्री को आप माफ नहीं करेंगे, ये बोलिए ना। प्रधानमंत्री ने क्या उनके ऊपर दुख जताया? हाँ, तो फिर दुख जताया वो किसान खुद फांसी लगा ली अपने डोले के ऊपर लड़े। वो पूरे देश के किसान मजदूर की लड़ाई में शहीद हुए हैं प्रधानमंत्री। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप यही कहिए ना कि आप माफ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री को। जी आप प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेंगे, आप मीन्स आप नहीं, किसान संगठन या किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो कहेंगे वो किसान मानेंगे, और आप प्रधानमंत्री से वो करवाएंगे जो करना है, लेकिन प्रधानमंत्री को माफी नहीं मिलेगी। यही बात तो कह मैं भी पूछ रहा हूँ। मोदी को नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री का तो एक पद है, 5 साल का है, कोई प्रधानमंत्री आएगा? नरेंद्र अब बात आ गई आपके, यही तो मैं आपके मुंह से लिख कत्ल जिसपे कत्ल का आरोप हो उसे बरी करवा दोगे आप? कत्ल का आरोप है प्रधानमंत्री पे तो आप माफी नहीं देंगे, आप दूसरा प्रधान। हाँ यही बात थी, साले मान लिए नहीं माने आप, ये बताओ पहले तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई माफी नहीं है ना, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। ये बता दो कि किसानों ने मेरे भाई मैं मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे ना माफ, ये तो बोलिए क्यों करेंगे। हाँ ये बात है, आप माफ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, और क्योंकि वो 700 किसानों के शहादत के जिम्मेदार हैं और इसलिए कत्ल का उन पर आरोप है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? चलो हम कर दें, उनके परिवार कर देंगे क्या, हमारे करने से क्या होगा? जिनका परिवार का सदस्य कुआ है जो चला दुनिया से इस आंदोलन में, वो हमारे साथी हैं, बताओ हमारे करने से क्या होगा भाई? उन परिवारों के बारे में भी तो सोचे। अच्छा खैर ये तो काम तो प्रधानमंत्री का सोचना है, वो सोचे वो जाने, उन्होंने जो निर्णय लिया था उनके सोच में कमी रह गई, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने वापस दिया, आपकी अपनी सोच है, हो सकता है कि पूरे देश का जनमत आपकी सोच के साथ हो सकता है कि जनमत की सोच कुछ और हो, क्योंकि हर एक घर से कोई ना कोई एक किसान जरूर है। राहुल भाई फिलहाल आपने बहुत ही संयत तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और उस बात पर एक जानकारी भी देने की कोशिश की कि वास्तव में संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर किस तरीके से चलेगा और किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी और उसके बाद उसकी दशा बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि अंततः ये सरकार आप लोगों की मांगों के सामने झुक गई। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार न्यूज के साथ। तो सुना दर्शकों आपने कि किस तरीके से किसान आंदोलन के संदर्भ में अभी किसानों की राय है और किसान नेता उस राय को रख रहे थे, और साथ ही साथ ये सरकार झुकी जरूर है लेकिन प्रधानमंत्री को माफ करने की स्थिति में किसान नेता अपने आप को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 700 किसानों की शहादत यूं ही बेकार नहीं जाएगी, मतलब और मायने साफ है कि अब इस पूरे शहादत पर, इस किसान आंदोलन पर राजनीति का एक ऐसा मुलम्मा चढ़ेगा या चढ़ाया जाएगा जो वोटों में कन्वर्ट होगा, और शायद इसी को देखने और परखने की कोशिश ये पूरा देश हम और आप करने की कोशिश कर रहे हैं। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।